रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारर और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आगाज में ही आपको बताएंगे कि आज जुमातुल मुबारक है। जुमातुल मुबारक की मुबारकबाद आपको, और यकीनन आज आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा क्योंकि मौसम कुछ दिनों से खासा बेहतर है। गर्मी की शिद्दत उतनी ज्यादा नहीं है जितनी थी। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। इशाल, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, और वो ये है कि सही उम्र का तयन करना मोबाइल के इस्तेमाल के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है हमजा, किस उम्र में बच्चों को मोबाइल दे देना चाहिए या उनको इस्तेमाल की इजाज़त दे देनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो बच्चों को तो देनी नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उम्र की हद आपने क्या रखी है? मेरा ख्याल है हमें स्क्रीन टाइम रखना चाहिए उम्र की हद से ज़्यादा। मेरी जाती राय यह है कि स्क्रीन टाइम के ऊपर ज़्यादा जो है हमें तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर्स हमें बता देते हैं कि जी अगर आपका बच्चा 4 साल का है तो उसको 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए जो भी स्टैंडर्ड टाइम है उसको रखना चाहिए, मेरी जाती राय। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि जो माहरीन है उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आपके बच्चे की जो सही उम्र है उसका तायुन करना वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैक्सिमम आप 14 साल की उम्र के बाद उनको मोबाइल फोन यूज की इजाजत दें, जब वो बलोगत सने बलोगत को पहुंच जाए, ठीक है, उससे पहले नहीं। अच्छा, अब उन्होंने तहकीक की है, तहकीक के मुताबिक उन्होंने जो है तकरीबन 20 जो है वो बच्चे चुने, एक दर्जन बच्चे उन्होंने चुन लिए, 12 बच्चे उन्होंने चुने, 12 बच्चों को उन्होंने मोबाइल फोन दिया और कहा कि 8 घंटे आपने यूज करना है 6 से 8 इंच के फासले पर रख के। अच्छा, ठीक है, बच्चों ने फोन यूज किया और उसके बाद हुआ क्या उन बच्चों में, जब उन्होंने रिपोर्ट्स उनकी आई और उनको ऑब्जर्व किया, मैक्सिमम जो 9 बच्चे थे वो भेंगेपन का शिकार हो गए थे। उम्र क्या थी बच्चों की? उम्रें थी मतलब पैदाइश से कुछ ऊपर के लेके आप मतलब 2-3 साल से लेकर आप लगा लें 12 से 14 साल की। अच्छा, ठीक है, ये वो उम्रें हैं जहाँ तक माहरीन के मुताबिक इन उम्र में आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। जब ज़रूरत ही नहीं है तो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जो कल्चर है वो ये है कि माएँ अपनी जान छुड़वाने के लिए भी बच्चों के हाथ में मोबाइल या टैब देती हैं, और उनको जो बोलना भी नहीं जानते होते तो वो टैब के ऊपर कार्टून देख रहे हैं, मोबाइल के ऊपर कार्टून देख रहे हैं, उसके ऊपर झुके हुए होते हैं इस तरह, तो ये भेंगेपन की वजह बन रहे हैं। ठीक है, ये आप सोचें कि 12 को अगर रिसर्च में शामिल किया गया बच्चों को, उनमें से 9 बच्चों में भेंगेपन के अलामत पाई गई हैं। अब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपने एक तो मोबाइल यूज़ 14 साल की उम्र से पहले नहीं बच्चों को करने देना, अगर आप अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाना चाहते हैं। आँखें सबसे ज़्यादा बड़ी नेमत है यार, मतलब आपकी आँखें हैं तो फिर सब कुछ आप देख सकते हैं, दुनिया है, सब कुछ है, खूबसूरती है, सब कुछ आप देख सकते हैं। और अगर आपने यूज़ करना भी है बड़ों के लिए, छोटों के लिए, तो सबके लिए, कि आप मैक्सिमम 8 इंच का फासला रखें और फिर मोबाइल फोन को यूज़ करें। ये मोबाइल है, इसका 8 इंच का फासला तकरीबन ये बनता है। हाँ, मतलब हम इधर करके यूज़ हम यूँ करके यूज़ कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल आगे रख के, ये नहीं आपने करना। मैक्सिमम 8 इंच का फासला होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो इसके अंदर से रेज निकलती है, यानी कि ये ज़्यादा मसला अब उन माँ बाप के लिए है कि बच्चा रो रहा है तो उसको कार्टून लगा के मोबाइल पर दे दिए जाए, बच्चा तंग कर रहा है तो उसको गेम लगा के मोबाइल पर दे दी जाए, और अगर हम आपस में अपने किसी से मतलब किसी सहेली से वालिदा गुफ्तगू कर रही है फ़ोन पर और कोई वालिद फ़ोन कर रहा है तो बच्चे को क्या कर दिया जाए कि स्क्रीन पर बिठा दिया जाए और कार्टून आप देखें भाई, ताकि आप हमें तंग ना करें, घर में मेहमान आ जाएं, बच्चा हमें तंग नहीं कर रहा होगा, क्यों नहीं कर रहा होगा, बोल नहीं रहा होगा, क्योंकि हमने उसको मोबाइल दे दिया, तो इस पर हमें खुद बच्चों को टाइम देने की जरूरत है और बच्चों को नुकसान हो रहा है। वैसे हमजा, इसमें रिसर्च में बताया ये गया कि बहुत सारे नुकसान आते हैं जिनमें से एक भेंगापन है, आपकी जहनी नशोनुमा नहीं हो पाती बच्चों की, बच्चे उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में, उनका जहन जिस तरीके से खुलना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहिए बच्चे को, जिस तरह से वो दब कर रह जाता है, उसका जहन नशोनुमा नहीं कर पाता, लेकिन जो उन्होंने तहकीक में सबसे ज़्यादा चीज़ ऑब्जर्व की वो भेंगापन था। इसलिए अपने बच्चों को आज से ही अपनी रूटीन में ये चीज़ शामिल करें कि आपने आहिस्ता आहिस्ता, मैं नहीं कहती कि एक दिन में आप, जाहिर बात है बच्चों की आदत डेवलप हो चुकी होती है, आपको मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उनको मोबाइल से दूर कीजिए। और फिर भी वैसे भी अभी बच्चों का स्क्रीन टाइम लाजमी रखें, बच्चों को ज्यादा देर भी मोबाइल या स्क्रीन इस्तेमाल कोई भी ना करने दिया करें, और ये बड़ी अहम रिसर्च है, बच्चों की सेहत को लेकर अहम रिसर्च है। हम उम्मीद करेंगे कि सब लोग इस पर अमल करने की जितना हो सकेगा
कोशिश कर रहे होंगे। और अब हम बात करेंगे, एनसीओसी ने मुल्क भर में एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया, क्योंकि हम भी ये देख रहे थे कि जैसे ही कुछ केसेस कम होना शुरू होते हैं, मुस्बत केसेस की शरह कम हो रही होती है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, मास्क भी उतार देते हैं और समाजी फासले का जो है वो भी ख्याल बिल्कुल हम रिलैक्स हो जाते हैं और जरूरत से ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद की जो कमी थी उस पर तशवीश का इजहार उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि केसेस जो हैं वो इससे बढ़ भी सकते हैं। फिर एनसीओसी ने पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने और आने वालों के लिए अहम फैसला किया है और जुजवी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के इजरा की मंजूरी दे दी गई। हाँ जी, और जिसके बाद होगा क्या कि बैरून मुल्क सफर करने वाले जुजवी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर पाएंगे एक डोज के बाद भी। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने सूबे के हर शहरी के लिए कोरोना वैक्सीनेशन को लाजमी करार दे दिया है, जो कि बहुत अहम इकदाम है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का यह इजलास हुआ और वज़ीर आला ने इस दौरान कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद करने की हिदायत कर दी। बिल्कुल, जैसे हम कह रहे थे कि सजाएं दी जा रही हैं दीगर ममालिक में, तो यहाँ पर भी ये काम शुरू हो चुका है, सख्ती जो है वो शुरू हो चुकी है। मुराद अली शाह ने महकमे खजाना को इस हवाले से हिदायत जारी की हैं कि सरकारी मुलाजमीन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो जुलाई से तनख्वाह बंद की जाए। जबकि सिंध हुकूमत ने सूबे भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी को देखते हुए लॉकडाउन में नरमी लाने का फैसला भी किया है, लेकिन नरमी उसी सूरत मुमकिन हो पाएगी जब हमारे अपने रवैये जो हैं वो संजीदा होंगे। बिल्कुल, ऐसे ही हम बात करेंगे जो फैसला किया गया सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। पार्लियामेंट्री बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम सुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सरकारी मुलाजमीन अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो उनकी तनख्वाह को रोक लिया जाएगा, सख्त इकदाम है, क्या ज्यादा सख्ती फौरन ही नहीं कर ली गई, पहले उनको वार्निंग दे दी जाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध चाहती है कि तमाम लोग वैक्सीनेटेड हों और हम चाहते हैं कि जितनी गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट के ऊपर जो है वो थोड़ी सख्ती हम इसलिए भी ला रहे हैं कि गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट के अंदर आम अफराद का आना जाना होता है, नंबर एक बात, पहले तो वो सेफ होंगे तो फिर जो है वो उनसे कोई और इन्फेक्टेड नहीं हो सकेगा, और अगर कोई और इन्फेक्टेड उनसे रबते में आता है तो खुदा न खासा उनकी जो है वो सिवियरिटी के चांसेस जो हैं वो बड़ी हद तक वो महफूज हो जाता है। तो ये एक ड्यूल पर्पज़ है और फिर हम चाहते हैं कि जो है वो वैक्सीन हेजिटेंसी जो है ना वो लोगों में ख़त्म हो, क्योंकि लोग कल जो है वो आके आपको ये ना कहें कि जी आपके अपने सरकारी जो मुलाजमीन हैं वो वैक्सीनेटिंग करवाते तो हम क्यों करवाएं, तो ये जो बहाने हैं हम इनको इस बहानों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हम वॉलंटियरली हमारा बहुत सारा स्टाफ जो है ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध के डिफरेंट मुलाजमीन है वो हमने बहुत पहले जो प्रीवियस रमज़ान शरीफ के महीने में भी हमने ये रिक्वेस्ट की थी और बल्कि हमने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकाला था थ्रू चीफ सेक्रेटरी कि आप अपने मुलाजमीन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जो है अपने आप को वैक्सीनेट करवा दें। लेकिन अब हम थोड़ा सा उस पर एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं ताकि वो उस टारगेट को अचीव करें जो हर्ड इम्यूनिटी का है जहां पर हम इस पेंडेमिक। ये तो हो गया सरकारी मुलाजमीन के लिए, क्या आम आवाम में भी वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकी तमाम शहरी जो है वो भी इतनी संजीदा नहीं ले रहे वैक्सीन को? देखें, आवाम के ऊपर जो है वो अब हम हर एक के ऊपर कोई किसी किस्म की कदगने तो नहीं लगा सकते या किसी के ऊपर हम खुदा ना खास्ता जो है वो स्टिक लेके खड़े नहीं हो सकते, लेकिन हमारा मकसद ये है अब हम जो थोड़ी बहुत सख्ती हम बाकी लोगों के लिए भी कर रहे हैं वो ये कि हमारे मैडम मिनिस्टर साहिबा ने भी कैटेगोरिकली ये कहा है कि आप जो है वो बिजनेस कम्युनिटी जो वैक्सीन जो शॉप्स खोलना चाहते हैं जिसमें सैलून से लेकर आपके ब्यूटी पार्लर से लेकर जिम से लेकर पार्क से लेकर क्लब से लेकर या जो आपके बड़े मॉल्स हैं बड़े जो आपके ग्रॉसरी स्टोर्स हैं तो हम चाहते हैं कि उन प्लानिंग करने वाले भी जो है ना वो डोजेज उनको लगे हुए हों, नहीं लगवाएंगे तो ये फिर बाजारें बंद होगी, फिर आपकी सड़कें सुनसान होगी, फिर आप घरों में जो है वो रहेंगे अपने जो है ना वो प्यारों से नहीं मिल पाएंगे तो और फिर जाहिर है खुदा ना खासा किसी के पास इवेंट होगा तो और नुकसान होगा। तो हम चाहते हैं कि ये तमाम चीजें खत्म हो कि हम उसी रोवे अनामल हैं तो उसके लिए जो है वो ये काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गवर्नमेंट के एंड से जितने मेजर पॉसिबल हो सकते हैं जितनी जो है वो हम अटक सकते हैं वी विल डेफिनेटली विल नॉट हेजिटेट। सख्त फैसला किया गया आपकी तरफ से, तो टारगेट फिर अब क्या रखा गया है कि सिंध सूबे के हद तक कब तक हर्ड इम्यूनिटी हासिल की जाएगी, आपका टारगेट क्या है?
देखें, आज से हमने एक वैक्सीन ड्राइव शुरू कर रहे हैं जिसको लीड जो है वो हमारे पार्टी के चेयरमैन करेंगे और जाहिर है उसकी हमारे वजीर अला सिंह साहब और हमारी वजीर हेल्थ साहबा भी से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में अपने अपने जो है वो एबा जहाँ जहाँ उनका हल्का है उन तमाम में जाकर यह वैक्सीन को सुपरवाइज करें और लोगों तक पहुंचें, गलत मैसेजिंग को किल करें। और हम चाहते हैं कि 2-3 महीने के अंदर जिस तरह से हमें एनसीओसी में ये श्योर कराया गया है कि जी हमें अवेलेबल होंगी, तो हम चाहेंगे कि आप इसको एग्रेसिवली जो है वो टैकल करें। हम वैक्सीन भी जो है ना वो गांव में या कर जो रूरल सोसाइटी में पहुंचाने के लिए मोबाइल वैक्सीन भी से वो लें। इस तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हमने कहा है कि जिनके पास भी जो 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 बाकी गाड़ियां उनके पास जो जो ज़्यादा नेसेसरी नहीं है तो गाड़ियाँ हमें दे दें, हम उनको वैक्सीन ड्राइव में इस्तेमाल करें। सो दैट्स हाउ वी वांट टू रीच। ठीक हो गया कासिम सोमरू साहब। एक और बड़ा मसला है कि हमारा जो तालीम का शोबा है खासा मुतासर हुआ, क्या सिंध में इसातिज़ा की तरजीही बुनियादों पर कोरोना वैक्सीनेशन चल रही है ताकि अगले तालीमी साल के दौरान कोई तातुल ना सके? बिल्कुल सर, हमने हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट इनफैक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये एफर्ट कर रहा है और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं सईद गनी साहब वो भी इसको पर्सनली हर रोज़ हर तालुका हर डिस्ट्रिक्ट हर डिवीजन की रिपोर्ट्स डेली की बुनियादों पे हो रही हैं ताकि ये जो जैसे आपने फरमाया कि हमारा एजुकेशन का जो जो बड़े हद तक हमारी जो क्लासेस हैं बच्चों की जो है वो साल पूरा छाया हुआ है तो हम उसको बड़े इफेक्ट फास्ट जो हम इस पे काम कर रहे हैं ताकि ये सातजा हमला है या उनका जो जो बाकी स्कूल में स्वीपर्स हैं या जो छोटे मुलाजमीन हैं उन तमाम को भी हम जो वैक्सीनेट करने के लिए वैक्सीनेट किया जाएगा। कासिम सुमरो साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। सिंध हुकूमत ने जो फैसले किए हैं वो हमने आपको बताए। कोरोना वबा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पंजाब हुकूमत ने भी एक कदम उठाया है। तमाम सरकारी मुलाजमीन और उनके अहले खाना के लिए कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई है सिंध में, सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए लेकिन पंजाब के अंदर सरकारी मुलाजमीन और उनके अहले खाना के लिए भी। मुलाजमीन को 30 जून तक की मोहलत दे दी गई है और पंजाब हुकूमत ने तमाम जो सूबाई महकमे हैं इदारे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन से मुतालिक मरासला भी जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने तमाम सूबाई महकमों और इदारों के लिए वैक्सीनेशन से मुतालिक जो मरासला जारी किया गया है उसके हवाले से बताया गया कि तमाम जो उनकी फैमिलीज भी होंगी या फिर वो खुद मुलाजमीन होंगे उनके लिए वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी करार लाजमी करार दे दी गई है। और इससे कबल वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा था कि पंजाब में कोरोना केसेस में कमी आना शुरू हो गई है, कोरोना वैक्सीन लगने के बावजूद हजूम में जाने से हमने परहेज़ करना है। अगले माह मतलब 2.5 लाख लोगों की वैक्सीनेशन का हदफ भी मुकर्रर किया गया है कि जो लगाई जा रही होगी। पंजाब ने जो फैसले किए हैं उस पर हम बात करेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ। मुसर्रत साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिंध ने भी फैसला किया, उन्होंने किया कि सिर्फ सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनके लिए लाजमी होगी और उनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी अगर वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। यहाँ पर पंजाब में अहले खाना के लिए भी लाजमी होगा, अगर नहीं लगवाएंगे तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या सज़ा दी जाएगी, क्या सख्ती की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। देखें सबसे पहले इस फैसले के पीछे जो हमारी हिकमत अमली है या एक स्ट्रेटजी है उसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि ये लोगों को आम आवाम को इनकरेज करने के लिए हमने ये डिसीजन किया है। उसकी वजह यह है कि जब तक आपको पता है कि एक अजीबो गरीब किस्म की मैं तो ये कहूँगी कि जहालत पे मबनी एक कैंपेन भी चल रही है वैक्सीनेशन के अगेंस्ट। कभी कोई सोशल मीडिया पे एक तरह का पैगाम नशर किया जाता है, ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है। और देखें कि पूरी दुनिया की जिंदगी नॉर्मल उस वक्त तक नहीं होनी जब तक हमारी टोटल पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन हो ना जाए, तो इसलिए जो लोग जितना जल्दी ये डिसीजन करेंगे उतना जल्दी वो अपने आप को और अपने प्यारों को डेंजर जोन में जाने से बचाएंगे। प्लस वो एक अपनी हेल्दी नॉर्मल लाइफ, और आप देखें कि साइकोलॉजिकली भी इसका बहुत इम्पैक्ट है कि एक ऐसी बीमारी जो जानलेवा है जिसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है और आपने अपने आप को ऐसे एक्सपोज छोड़ा हुआ है, तो ये इंतहाई मैं कहती हूँ कि गैर जिम्मेदारी की बात है। और इस चीज़ को इनकरेज करने के लिए और यू कैन से इट के इट्स सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस कैंपेन के लोग ज्यादा से ज्यादा अपने आप को खुद देखें। पहले तो ये इशू था कि वैक्सीनेशन है नहीं, अब तो हमारे पास
इनफ क्वांटिटी मौजूद है जितने लोग आएंगे, और दूसरा जो लोग एलिजिबल हैं इसके लिए वैक्सीनेशन के लिए उनकी तमाम की हमने यानी कि एडल्ट्स की आपको पता है कि वैक्सीनेशन अब अलाउ कर दी है, और आप जल्द अज जल्द स्पेशली जो पढ़े लिखे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को इनकरेज करें, अपने बुजुर्गों को लगवाएं ताकि हम उनको इस मुसीबत में जाने से बचा सकें। अच्छा मुसर्रत साहिबा, हम लोग खुद भी यही बैठ के कहते हैं कि जी अपने जिन्होंने लगवाई है वैक्सीन वो अपनी फैमिली को अपने दोस्त अहबाब को मोटिवेट करें, लेकर जाएं वैक्सीनेट करवाएं उन्हें, लेकिन हम फिर भी देखते हैं एक जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो लोगों में अभी भी मौजूद है। सरकारी सतह पर मुलाज़मीन हैं सरकारी या फिर उनके अहले खाना है, उनके लिए तो सख्ती कर दी गई, उन्हें जो है ये जारी कर दिया गया हुक्मनामा कि जी आपने करना ही करवानी है, हर सूरत में आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, लेकिन जो बाकी अवाम है उनके ऊपर सख्ती नहीं की जानी चाहिए ताकि वो लोग भी वैक्सीनेट हो सकें? देखिए शाल, सबसे पहले तो ये कि मैं तो अपनी एग्जांपल देती हूँ हमेशा, मैंने तो उस वक्त वैक्सीनेशन कराई थी ऑफ कोर्स इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते हुए जब ट्रायल चल रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से, और फिर चूंकि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा कोविड रिलेटेड टॉक शोज मॉर्निंग शोज कर रही थी, तो ताकि मैं ये बता सकूँ कि ये कराए बगैर हमारा गुजारा है नहीं। सो देखें, दूसरी बात यह है कि कुछ बेसिक राइट्स होते हैं किसी भी सिटीजन के, जैसे कि पोलियो के ऊपर भी हम फोर्सफुली हम किसी को क्योंकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपके मुल्क का जो आईन है ये एक आम शहरी को आज़ादी देता है कि वो किसी भी किस्म के ट्रीटमेंट के लिए या प्रिवेंटिव्स के लिए या वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को वो मतलब वो लगवाते हैं या नहीं, ये किसी का बुनियादी हक होता है जो उसने खुद डिसाइड करना होता है, इसलिए इसमें फोर्सफुली तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो करने का काम है हमारा गवर्नमेंट का और मीडिया का वो ये है कि हम इतने बड़े पैमाने पे अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, लोगों को अवेयर करें और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में उनको आगाह करें, और मेरा ख्याल है कि किसी को भूल नहीं है कि हमारी जिंदगियों में ये, और मेरा ख्याल है कि शायद इस सदी का ये सबसे बड़ा इंसिडेंट अगर कहा जाए एंडेमिक तो गलत नहीं होएगा कि पूरी दुनिया के अंदर एक वक्त में पूरी लाइफ का मुअत्तल हो जाना, और जिसमें आपकी एयर ट्रैवलिंग आप देख लें कि इसके कंसीक्वेंसेस कितने हमने भुगते हैं, तो ये तो किसी की जहालत की एक्सट्रीम होगी कि जो अपने आप को मतलब समझ से बाहर है कि जो अपने आप को और अपनी फैमिली को एक तो अनसीन खतरे के अंदर हर वक्त रखेंगे, इसके साइकोलॉजिकल बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं। आप यकीन करें कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि हमें जो एहतियाती तदाबीर है और जो ट्रीटमेंट है उसकी तरफ जाना चाहिए। दुआ की क्यों तलकीन की गई है? उसकी वजह यह है कि हमें कुछ चीजें अल्लाह ने इंसान के इख्तियार में रखी हैं, तो हमारी अपील है गवर्नमेंट हर लेवल पे देखे, जो जैसे टीचर्स के ऊपर हमने कंपल्सरी कर दिया, लेकिन आपके चैनल के तवसुस से मैं ये भी अर्ज करूं कि टीचर्स को हमने कंपल्सरी जरूर किया, लेकिन कल मुझे कुछ टीचर्स की कॉल्स मौसूल हुई कि जो प्रेग्नेंट हैं जिनकी वैक्सीनेशन वो वैक्सीनेशन सेंटर में जाती हैं तो उनको वो लगाते नहीं है, लेकिन स्कूल वाले कहते हैं कि आप हर सूरत लगवा के आए, तो जो भी मुझे सुन रहे हैं मैं उनको ये अर्ज करूं कि जिनको वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन नहीं लगा रहा वो इससे मुस्तस्ना है, यानी कि उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया। कुछ हमारी टीचर्स जो प्रेग्नेंट हैं उनको अगर वैक्सीनेशन सेंटर ने नहीं लगाई वैक्सीन तो स्कूल उनको फोर्स नहीं कर सकता, सिर्फ ये कंडीशनल इस तरह की चीज के ऊपर टीचर्स को अलाउ किया जाए, इस तरह का कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ है। जैसे वो टीचर्स हैं जो आपसे राब्ता कर पाए हैं, जो आपसे राब्ता नहीं कर पाएंगे जो गवर्नमेंट तक डायरेक्ट रसाई, इसीलिए मैंने आज ऑनियर ये बोला है जी, वो किससे राब्ता करेंगे ऐसी सूरत में अगर स्कूल उनको फोर्स करेगा? मैं अर्ज करूं नहीं नहीं, उन स्कूल बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेगा। मैं आपके प्रोग्राम के बाद अपने एजुकेशन मिनिस्टर हमारे जो प्रोविंशियल एंड फेडरल हैं दोनों से मैं बात करूंगी, और इसको हम ये इसीलिए ही मैंने ये इशू उठाया है कि देखिए कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं कि जिनको शायद नहीं, जैसे बहुत सारी मेडिसन जो मेरे आपके नॉर्मल लोगों के लिए होती हैं वैक्सीन, लेकिन वो सबके लिए तो नहीं होती ना, इसमें 1-2% तो होते हैं लोग, तो इसलिए जिनको वैक्सीनेशन सेंटर नहीं लगा रहा, यानी कि कुछ प्रेग्नेंट औरतें जिनका 8-9 months चल रहे थे, तो वो कल मुझे बहुत सारी टीचर्स की कॉल्स मैसेजेस मिले, तो मैं ये बताना चाहती हूँ
कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, एक नॉर्मल कंडीशन के लिए उनके ऊपर कंपल्शन है, बाकी जिसको सेंटर नहीं लगा रहा उसको स्कूल फोर्स नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता इशाल, ये मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट वो सेंटर्स जारी कर दें कि हमने ये आए थे हमारे पास, हमने इनको वैक्सीन नहीं लगाई थी, क्योंकि ये एलिजिबल नहीं। जी मैं अर्ज, जी जी बहुत बड़ा ये इशू है, और ऑलरेडी आपको पता है कि जॉब्स के प्रॉब्लम्स हैं, फिर बेचारे फिर टीचर्स पहले इतने महीनों घर बैठे रहे और ऊपर से इस दिक्कत का सामना। तो इसके ऊपर मैंने इसीलिए ये अपने एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात करनी है, और मैं डॉक्टर फैसल साहब से भी बात करूंगी कि वो भी एक इस तरह की स्टेटमेंट जारी कर दें, ताकि लोगों को खामखा मतलब परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा मुसर्रत साहिबा, हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद को ये कहते हुए सुना, उनकी जानिब से कहा गया कि आप वैक्सीनेट होने के बावजूद भी हुजूम वाली जगहों पर नहीं जा सकते, तो क्या हमें हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर लेने तक इस चीज की एहतियात करनी होगी कि आप वैक्सीनेट हो चुके हैं फिर भी आपको मजमों में हुजूम वाली जगहों पर नहीं जाना होगा? दूसरा, हमने देखा कि जैसे ही कुछ हालात बेहतर होते हैं तो वैसे साथ ही जो SOPs हैं उनको फॉलो करने का रुझान भी कम हो जाता है, उसको किस तरीके से इंश्योर किया जाएगा कि अभी भी हम मुश्किल घड़ी में खड़े हैं, अभी भी हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इससे निकल नहीं पाए हैं? जी बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू एंड डॉक्टर साहब, मैंने बिल्कुल बजा फरमाया है। उसकी वजह यह है कि ये म्यूटेट कर रही है, और जो जब कोई इसकी वेरिएंट्स जो आ रहे हैं उनको आपको पता है कि ये हुआ ना कि इसके एविडेंस मौजूद है कि जो जिन लोगों की वैक्सीनेशन हुई हुई थी या जिनको पहले कोरोना हुआ था उनको दोबारा हुआ। लेकिन इसकी एक जो इसमें अच्छी खबर है वो ये है कि जिन जिन लोगों की वैक्सीनेशन हुई हुई थी उन्हें अगर हुआ भी दोबारा तो उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन उस लेवल की नहीं आई, लेकिन वो कैरियर होके किसी ऐसे नए बंदे को वो ट्रांसफर कर सकते हैं वो जिससे उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए एहतियात तो हर सूरत लाजिम है, जब तक हमारी कोई 70% पॉपुलेशन की हो नहीं जाती। तो उसका पंजाब का टारगेट ये है कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम कोई 7.5 करोड़ तक, जो कि हमारी एडल्ट पॉपुलेशन का कोई मोर देन 70% बनता है, उनको हम हर सूरत इंशाल्लाह लगा लेंगे। अब पर डे भी आपको पता है कि 2.5 से 3 लाख पे हम जा रहे हैं, तो ये आगे बढ़ेगी, लेकिन उसमें जो और हमारे पास कोई शॉर्टेज भी नहीं है वैक्सीन की। तो जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि अभी भी यकीन करें कि जो हमारे NCOC की तरफ से जो तमाम सूबों को हदायत जारी की गई हैं उनको जो टारगेट्स मिले हैं उनको मीट करने के लिए बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ रही है गवर्नमेंट को। तो लोगों को जो कि हमने ये अनाउंसमेंट की कि हर सूरत गवर्नमेंट मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज लगवाएं, इसी तरह टीचर्स का हमने उसकी कंपल्शन कर दी कि कोई टीचर कोई स्कूल का स्टाफ एंटर नहीं हो सकता जब तक उसकी वैक्सीनेशन ना लगी हो। लेकिन मैं उसमें ये बता दूं कि इसमें जिनको सेंटर नहीं लगा रहा वो उनको इससे इस्तेसना हासिल है। अब अगली जहां तक रहेगी बात कि इसमें जो इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तमाम लोगों की कि हम लोगों को, बल्कि मैं तमाम चैनल्स को ये अपील करती हूँ के डेली जितने टॉक शोज होते हैं उनके अंदर जो आप अपने प्रोग्राम का आगाज करें, चाहे आपके मॉर्निंग शो है, किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट शो है किसी का, कि वो पहले 5 मिनट वैक्सीनेशन लगवाने पे लोगों को इनकरेज करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, जो मीडिया का किरदार है, मीडिया कोशिश कर रहा है कि अपने किरदार बखूबी निभाए। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, और हम अपने प्लेटफॉर्म से मतलब मैं कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एजुकेट किया जा सके, किसी भी तरह से उनको मोटिवेट किया जा सके। और ये जो इधर उधर से आप खबरें सुन लेते हैं ना सोशल मीडिया पे, हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि इनको सच मत माना करें, आप खुद थोड़ी सी रिसर्च कर लें तो आपको बेहतर पता लग जाएगा कि आपको आज ही जाना चाहिए और वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। बिल्कुल, और हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।